हेलो फ्रेंड्स, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिखाया गया लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम बनाएंगे भुट्टे की मकई का पकोड़ा। इसके लिए हमने दो भुट्टे लिए हैं। इसमें से एक में से हमने दाने निकाल लिए हैं और एक मैंने ऐसे ही रखा है आपको दिखाने के लिए। और हमने बेसन लिया है, ऑयल, नमक, बेकिंग सोडा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हींग और धनिया पाउडर। ये देखिए, ये हमने कच्चा ही लिया है। अब हम इसके ऐसे दाने निकालेंगे। ऐसे भी निकाल सकते हैं और चप्पू से भी निकाल सकते हैं। पूरा ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए, ऐसे चप्पू से भी इस तरह से निकल सकते हैं। अब हम एक बाउल में ये मक्के के दाने डालेंगे और इसमें हमने आधी चम्मच हींग और एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है, वो डालेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच हल्दी पाउडर, वो डालेंगे। और नमक और थोड़ा सा ऑयल, एक चम्मच जितना। अभी हम इसे मिक्स करेंगे। हमें इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं चाहिए। और अब हम बेसन डालेंगे। ये हमने छोटी दो कटोरी भर के बेसन लिया है। अब हम पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा बेसन डालेंगे, आधी कटोरी जितना हमारा बेसन बच गया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और पकोड़े जैसा बैटर बना लेंगे। अब हम आधी छोटी चम्मच जितनी हमने बेकिंग सोडा ली है, वो डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब हम ऐसे पकोड़े डालेंगे ऑयल में। मैंने ऑयल पहले से ही गरम कर लिया था। अब हम पकोड़े के पलटाएंगे। ये देखिए, फूल के बहुत ही अच्छे हुए हैं। ये देखिए, हमारे पकोड़े का कलर चेंज हो गया है। अभी हम इसे निकाल लेंगे। रेडी है, देखिए मकई के पकोड़े। ये देखिए, हमारी मकई बहुत ही सॉफ्ट अंदर हो गई है। ये सूखी चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।